नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर बिहार में और मैं हूं कुमार बबलू। हमारे साथ में हैं आज मढ़ौरा नगर पंचायत से उपाध्यक्ष राखी कुमारी और उनके पति विष्णु गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने लगातार देखा, जब से COVID-19 का काल आया तब से लेके अभी तक लगातार आप लोगों के बीच में जाके राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। कहीं पे आप तिरपाल बांटते हुए नज़र आते हैं तो कहीं पे सूखा राशन बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक सर आपने जितने भी वितरण किए हैं लोगों के बीच में, वो अपने निजी कोष से किया है या सरकारी कोष से? वो सारा जो भी हम लोगों ने वितरण किया है वो हम अपने निजी कोष से वितरण किए हैं। COVID-19 के समय जो सूखा राशन की बात हो या अभी जो हम लोगों ने 1300 पैकेट अभी बाढ़ में सत्तू प्याज नमक बिस्किट मिर्चा का जो हम लोगों ने एक पैकेट बनाया था वह 1300 पैकेट और सैकड़ों तिरपाल हम लोगों ने जो वितरण किया वो सब अपने निजी कोष से वितरण किया है। सर, हमने कई जगह पे देखा है कि सामुदायिक जो किचन है वो बंद हो चुके हैं, हालांकि बाढ़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक प्रशासन का कैसा रोल रहा बाढ़ काल में मढ़ौरा में? देखिए, प्रशासन का रोल संतोषजनक नहीं रहा। कई जगह 8 दिन 10 दिन 5 दिन चलाकर सामुदायिक किचन को बंद कर दिया गया। अभी आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी सड़कों पर रहने पर विवश हैं, अपने घर को छोड़कर जो लोग बाहर रह रहे हैं। सरकार की मंशा थी कि उन लोगों को जो जिनका चूल्हा चौकी डूब चुका है इस बार में, उनके लिए सामुदायिक किचन का व्यवस्था कराया गया। लेकिन अभी भी आप देखिए कि हजारों के संख्या में लोग घरों को छोड़ के सड़क पर रह रहे हैं, रहने पर विवश हैं। आप फिर भी सामुदायिक किचन बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है। जी सर, हमने एक चीज़ और देखा कि आपने अपने वार्ड के अलावा और दूसरे वार्डों में भी जाकर राशन वितरण किया, तो क्या ये इंडिकेशन है कि अगले चुनाव में आप मुख्य पार्षद की तैयारी कर रहे हैं? मैम आप बताएंगे। हाँ, तैयारी कर रहे हैं लोग जी। जैसे हाँ, जनता यदि आशीर्वाद देती है, साथ देती है तो हम तैयार हैं। सर, एक और चीज़ हमने देखा कि मढ़ौरा में बड़े बड़े मास्क लाइट लगे हुए थे जो कि काफ़ी रोशनी मिलती थी लोगों को वहाँ शहर के लोगों को, और आजकल वो बिल्कुल ही बंद है, जिसमें करोड़ों रुपए लगे हुए थे। सर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, शुरू से लेकर अभी 3 साल से अधिक का कार्यकाल बीत गया है नगर पंचायत का, और शुरू से हम लोग विपक्ष में रहे हैं और लगातार यह मांग करते रहे हैं कि हाई मास्क लाइट हो या नगर पंचायत के और भी बहुत सारे मूलभूत समस्या है। हम लोग जब भी जोरदार आवाज़, ये नगर पंचायत का स्थिति यह हो गया है कि मांग करने के बाद यहाँ बैठक कराया जाता है और हाई मास्क लाइट में करोड़ों रुपए खर्च करके आ फिर बंद है। इसके लिए हमको पूरा अंदेशा है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला एक बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसके लिए हमने आवेदन भी दिया हुआ है पहले जाँच करने के लिए, जो कि अभी बाढ़ और कोरोना को लेकर मेरा आवेदन लंबित है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि यह करोड़ों करोड़ का घोटाला उजागर होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं और संलिप्त हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ में विष्णु। सर, अभी तो बाढ़ की स्थिति है और हमने सामान्य समय में भी ऐसा देखा है कि जरा सी बारिश हो जाती है तो मढ़ौरा में सड़कों पर पानी कीचड़ जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मढ़ौरा का जो जल जमाव का हुआ है या नाला का निस्तारण का व्यवस्था हो पानी का, जिस तरह से आप संतुष्ट नहीं हैं, मढ़ौरा की जनता संतुष्ट नहीं है, उसी तरह से हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरी तरह से कहना चाहते हैं कि नगर में हम लोगों ने चुनाव जब मुख्य पार्षद का लड़ा था तो एक उद्देश्य था कि हम लोगों ने सोचा था कि एक ऐसा हम लोग नगर पंचायत में DPR बनाकर एक नाला का, जब तक बड़ा नाला विस्तृत नाला नहीं बनेगा, जो कि नाला सभी वार्डों में मानक के अनुरूप और वो नदी के लेवल से को देखते हुए
एक जब वो नाला पूरे नगर पंचायत में नाला का जाल बिछा के और नदी के लेवल्स को देखते हुए जब तक नहीं बनाया जाएगा जल निकासी कहीं भी आपको होने नहीं जा रहा है। जहाँ भी नाला बना वो कहीं ध्वस्त हो गया, कहीं पे छोटा है, कहीं पे उस आप देखिएगा कि यहाँ से लेकर वहाँ गया उसका पानी पूरा नदी तक नहीं पहुँच पाया, गिर नहीं गया। तो इसीलिए इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। तो हम फिर से मांग करते हैं कि उसके लिए एक DPR बनाकर सरकार से जो अभी के वर्तमान में नगर प्रशासन है वो मांग करे और उसके अनुरूप कार्य कराए। जब तक उसके अनुरूप कार्य नहीं होगा ये जल जमाव का समस्या खत्म होने नहीं जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी राखी जी जो कि मरौड़ा नगर पंचायत की उप पार्षद हैं। अगर आप हमें हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। कैमरामैन कुमार आदित्य के साथ मैं कुमार बबलू, न्यूज़ फॉर बिहार, मरौड़ा।